अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज हम लोग इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके 5 ईयर में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि आपने बता दें कि सर क्या एमसीक्यूज कौन कौन से इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सअप ग्रुप का आपके पास नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट मुझे मैसेज करना है। और मुझे क्या करना है, मैसेज करने के बाद अपना नाम और अपना क्लास लिखना है, आपके पास लिंक शो होगी, आप उसमें बआसानी ऐड हो सकते हो। बाकी तमाम ग्रुप्स के टारगेट पेपर और साथ साथ एमसीक्यूज पेपर, टारगेट पेपर और साथ साथ जितने भी कॉलेज के मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे वो चीज़ें मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद होगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। फॉर ऑल ग्रुप, कॉमर्स, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारे पास चैप्टर, हम चैप्टर वाइज करेंगे, फिर इसका मैं पोएट्री का कर लूँगा, फिर मैं टू एक्ट एंड जो आपका होता है ना एक्ट एंड प्ले वाला जो टॉपिक होता है उसे हम स्टार्ट करेंगे बाद में। 2-3 हिस्सों में ये वीडियो बनाऊंगा, पहला हिस्सा ये चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज आपके पास है, द वर्ड कायद आजम मीन्स अ ग्रेट लीडर, ठीक है। अ ग्रेट लीडर कायद आजम थे। द नेम ऑफ द ग्रेटर द नेम ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास, पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर में। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास इन कब हुआ था, 1940 मार्च में। नेम द पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड इन 1933। द नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज प्रपोज बाय कब, किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था। उसके बाद क्या हमारे पास, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन, दिस इज कोटेशन ऑफ, ये किसका कोटेशन था, मोहम्मद अली जीना ने कहा था। उसके लिखा है कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन, किसमें क्या था, प्रिजन में क्या था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास, द कायदे आजम स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर दी डाउन, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, दी डाउन से स्टार्ट किया था, डाउन न्यूज़। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया द लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस दैट द ब्रिटिश वुड लीव द इंडिया एंड हैंड ओवर देयर पावर टू पाकिस्तान एंड इंडिया बाय अगस्त 15, 1947। कब दे दिया था उन्होंने पावर पाकिस्तान और इंडिया को, 15 अगस्त 1947 को दे दिया था। द नेम ऑफ द लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया, तो हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है के इन पाकिस्तान रिप्रेजेंट कश्मीर, के पाकिस्तान में किसको रिप्रेजेंट करता है, कश्मीर को करता है। द कायदे आजम वाज ब्यूट इन द हार्ट ऑफ द नेशन, कराची कहाँ है, कराची में है। डैश मिलियन ऑफ मुस्लिम माइग्रेटेड टू देयर न्यू होमलैंड, कितने मिलियंस लोग माइग्रेट कर देते हैं बेटा, 6.5, ठीक है, 6.5 मिलियन। याद रखना है तमाम एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं जो आपके उसमें आए थे, क्या बोलते हैं, आपके 5 years, 10 years में आए हुए हैं पास पेपर में। उसके बाद लिखा हुआ नेम ऑफ पाकिस्तान कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टेकन फ्रॉम लैंग्वेज, कौन से कॉम्बिनेशन है टू वर्ड पाकिस्तान के नाम में, पर्शियन है और उर्दू है। इन द नेम ऑफ पाकिस्तान के स्टैंड फॉर कश्मीर, ये दोबारा रिपीट हुआ है। फिर इसका लिखा हुआ है डेथ सोल कश्मीर टू इंडिया, किसने किया था, किसने भेज दिया था कश्मीर को, तो हिंदू महाराजा ने भेजा था। डॉन न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय, किसने बनाया था, डॉन न्यूज़पेपर कायदे आजम ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, द एंड ऑफ द लेसन ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद ही लेव हिज पीपल रिफर टू कायदे आजम, ठीक है। द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन इज, बैकग्राउंड क्या था, पाकिस्तान मूवमेंट है इस चैप्टर का देखा जाएगा। तो फिर इसका लिखा हुआ है द हार्ट ऑफ द नेशन रिफर टू, हार्ट ऑफ द नेशन इस चैप्टर में किसको कहा गया है, कराची को कहा गया है। दिस इज रिफर टू एज अ सिक मैन ओवर द 70 ईयर्स, मोहम्मद अली जीना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कायदे आजम वाज वेयरिंग डैश ऑन 7 अगस्त 1947 वैन ही केम इन टू कराची, उन्होंने वाइट शेरवानी पहनी थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डैश डैश इज़ द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री इन द लेसन पीपल ऑफ नेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वॉट वॉज द हिंदू टू हिज फिंगर टिप्स, क्या था, इंदिरा गांधी थे उनके फिंगर टिप्स में, ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी वहाँ के वो करते थे, क्या बोलते हैं, रूल आउट करते थे, ठीक है। फिर उसका लिखा हुआ है ही लेव हिज पीपल मीन्स किस, ही डाइड, क्या ही लेव हिज पीपल मीन, मतलब वो इस दुनिया से चले गए थे, मतलब कायदे आजम। नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज है, द ब्रिकन हेड ड्रिल, उसके बाद इसको अशोक रीडर बुक थर्ड ऐसी मल्टीपल आपके पास क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द ब्रिकन वॉज अ ट्रॉप शिप था उनके पास, ब्रिकन हेड था क्या, वो लिखा हुआ है ट्रॉप शिप था। देयर वर डैश पीपल ऑन द ब्रिकन हेड, कितने लोग उसके अंदर मौजूद थे, 630 लोग मौजूद थे। इन फरवरी 1851 द शिप वॉज बाउंड फॉर साउथ अफ्रीका, में बाउंड हो गया था, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखा हुआ था, हिडन रॉक वाज डैश किलोमीटर फ्रॉम द केप टॉम इन द साउंड, कितना किलोमीटर दूर था, 64 किलोमीटर छुपा हुआ था हिडन था। उसके क्या है, द फ्रेज द अनफॉर्चुनेट प्रे रिफेयर टू ब्रेकन हेड। अनफॉर्चुनेट प्रे किसको बोला जाता है, ब्रेकन हेड को बोला जाता है, एक तरह का ड्रॉप शिप था ये। द शिप स्ट्रक अगेंस्ट द हिडन रॉक ऑन, कब वो स्ट्रक हो गया था, टकरा गया था, 25 फरवरी को हो गया था, ठीक है। फिर ओनली डैश लाइफ बोट वाज वेयर यूजफुल कंडीशन, कितने लाइफ बोट बचे रहे, यूजफुल कंडीशन में उठे, 3 बोट्स थे। ईच लाइफ बोट कुड कैरी, हर एक बोट जो था 3 बोट्स थे, तो उसमें से 60 पैसेंजर को रख सकता था एक बोट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, द सी वाज अलाइव विद शार्क, ठीक है। सी के अंदर कौन रहता था, शार्क्स वगैरह रहते थे। ब्रेकन हेड विल रिप्रेजेंट द स्टोरी ऑफ द सोल्जर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बोला गया था इस चैप्टर में, बताया गया था। ब्रेकन हेड स्ट्रक द अगेंस्ट द हिडन रॉक, कितने दफ़ा स्ट्रक हुआ था वो, ट्वाइस, मतलब एक से ज़ायद बार हुआ था। लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द डे वाज, द ऑर्डर वाज द डे वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, सबसे पहले ऑर्डर दिया गया कि पहले आप वुमेन और फिर उसके बाद चिल्ड्रन पहले जाएँ, उसके बाद मर्डर रात को देखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, द हिडन रॉक इन द सी ऑफ द कंपेयर विद अ वाइल्ड क्रिएचर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द ब्रेकन हेड मीन्स टूडे टू स्टैंड एंड स्टेल, मतलब इसका टू स्टैंड एंड बी स्टेल, ठीक है। आफ्टर द ब्रेकन हेड वेन डाउन फॉर एवर, वी केम टू नो अबाउट द ग्लैंट्री ऑफ सोल्जर थ्रू देयर ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद लिखा है, मोस्ट ऑफ द सोल्जर ऑन द बोर्ड वर इन एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग जो थे वो इन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लोग नहीं थे। ब्रेकन हैंड स्ट्रक अगेंस्ट द हिडन रॉक ऑन एट 26 फरवरी एट 10 AM के टाइमिंग के भी लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो 10 AM और 26 फरवरी को हुआ था, ठीक है। केप टाउन इज इन साउथ अफ्रीका, केप टाउन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। एंड द कमांडर ऑफ द ट्रॉप सेव द लाइफ ऑफ पीपल, 2 लोगों को सेव किया था। उसके बाद लिखा हुआ, ट्रॉप्स को सेव किया था। इसका डैश इज द मीनिंग ऑफ द पैनिक, पैनिक इज द मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी ऑफ फेयर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में आता है। द सोल्जर एंड क्रू ऑफ द शिप वर डैश लॉयल टू देयर ड्यूटी, यस बहुत लॉयल थे वो अपने ड्यूटी के लिए। द वाइल्ड क्रिएचर वाज इन द सी, क्या हो जाएगा, वेटिंग फॉर इट्स प्रे। द मीनिंग ऑफ ड्रिल इज अ रेगुलर एक्टिविटी, ड्रिल का मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी। ब्रेकन हेड स्प्लिट इन टू डैश हाफ, 2 हिस्सों में वो टूट गया था ट्रॉप शिप, ठीक है। अब हमारे पास यूनाइटेड नेशन के कुछ एमसीक्यूज आ गए हैं, उसको देख लेते हैं। द सेकंड वर्ल्ड वॉर केम टू एंड, कब खत्म हो गया, 1945 में खत्म हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN वाज एस्टेब्लिश इन अप्रैल 1945। द यूएन डील विद क्यूरल दैट माइट लीड टू वॉर अमंगस्ट द नेशन, ठीक है। फिर लिखा हुआ, द एम ऑफ द UN इज टू प्रिवेंट द वार, मतलब UN का काम क्या होता है, प्रिवेंट करना, बचाना वार से। ऑन वन वे ऑफ द प्रिवेंटिंग वार टू रिमूव एज मैनी कॉजेज फॉर एज पॉसिबल डिसकंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ, द UN डे इज सेलिब्रेट ऑन डैश एवरी ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना कब आता है, 24 अक्टूबर को वो सेलिब्रेट करते हैं। द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN इज जनरल असेंबली, सेंट्रल और प्रिंसिपल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली बोलते हैं। डैश मे कंसिडर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द पीस इन द वर्ल्ड, जनरल असेंबली होता है। उसके बाद लिखा था, सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ, चीफ ऑफिसर ऑफ UN इज द सिक्योरिटी जनरल, चीफ ऑफिसर कौन होता है बेटा, सिक्योरिटी जनरल होता है। द सिक्योरिटी जनरल इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली, सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, जनरल असेंबली करता है। द सिक्योरिटी जनरल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ कितने अरसे के लिए वो काम करता है, सर्व करता है, 5 ईयर्स के लिए करता है। देयर इज अ स्टाफ ऑफ अबाउट डैश पीपल वर्किंग डायरेक्टली अंडर द सिक्योरिटी जनरल इन द न्यूयॉर्क, कितने स्टाफ होते हैं सिक्योरिटी जनरल के अंदर, तो 3,500। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन 7 अप्रैल। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO केम इन टू बींग ऑन 7 अप्रैल 1948। डैश वर्क ऑन द इंटरनेशनल हेल्थ WHO। FAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO वर्क ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, द ट्राइज टू एडवांस ह्यूमन वेल बींग थ्रू द एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, उसको बोलते हैं यूनेस्को कहते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अशोक लीडर बुक 3 से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। योस इज डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट की वजह से होता है। उसका लिखा है, यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लिखा, हु एलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली फॉर ईच सीटिंग, जनरल असेंबली इटसेल्फ
फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया द WHO वाइप आउट द डिजीज ऑफ मलेरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, द सिक्योरिटी जनरल इज बाउंड टू रिपोर्ट एनुअली रिगार्डिंग अबाउट द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल असेंबली को वो करता है, रिपोर्ट देता है। डैश मेंबर आर परमानेंट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, 5 मेंबर परमानेंट होते हैं। अगेंस्ट द प्रॉब्लम द FAO फाइट हंगर, ठीक है, हंगर के लिए फाइट करते हैं। लिखा डैश इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द UN जनरल असेंबली, सेंट्रल ऑर्गन होता है। उसके बाद लिखा हुआ है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड ब्रॉड मिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बैंक अकाउंट। तो ये तमाम MCQs आपको ये मिल जाएंगे मेरे चैप्टर के, मेरे इस वीडियो के अंदर। तो ये MCQs आपको मिलेंगे कैसे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप तमाम चैप्टर्स जो आपके सब्जेक्ट टाइप के चैप्टर्स होते हैं, थ्योरी टाइप के चैप्टर्स होते हैं, कोर्स जैसे कहते हैं, उसके तमाम क्वेश्चन आपको MCQs आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें मिल जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए दिखा भी देता हूँ कि तमाम MCQs हैं। मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ के बता दिए, बाकी आप MCQs पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा बाद में कि मैं इसको अच्छे से एक MCQs को समझा सकूँ, क्योंकि टाइम अभी वक्त है, आपके पेपर्स करीब हैं, तो आप वक्त को ज़ाया किए बगैर इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना। बाकी तमाम चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और यहाँ पे नए आखिरी चैप्टर हमारा हॉस्टाइल विटनेस था, तो आप देख सकते हो तमाम MCQs मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। इसी तरह से मैं आपको पोएट्री और 2-1 एक्ट प्ले के बारे में भी मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।